हेलो, राम राम जी सबको। सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो चुका है, ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है और अब जाना है खेत, क्योंकि आज तोड़ रहे हैं प्लम। तो आज से प्लम का सीजन स्टार्ट हो गया है। प्लम भी चेरी की तरह ही होते हैं, जो ये रेड ब्यूट है ना, इनको चेरी की तरह तोड़ना पड़ता है, मतलब छांट छांट के। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको खेत, दिखाते हैं प्लम। वैसे तो अभी पौधे छोटे छोटे हैं, फिर भी बहुत लगे हैं, उसमें साइज की प्रॉब्लम रहेगी। चलिए जो भी है तोड़ने तो पड़ेंगे। चलिए फिर ले चलते हैं आपको अपने साथ खेत। घाटू इसलिए नहीं पहना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मतलब बिल्कुल वैसे लगता है कि पाल बिछा है नीचे, ये दिखता है यहाँ पे बिछा है तरपाल, धीरे पे भरने हैं हमने खेत में। और सबसे बड़ी बात है आज मौसम थोड़ा ठीक है, अभी बादल बादल हैं तो इसलिए, और मैं चाहती हूँ ये आज ऐसे ही रहे मौसम, ताकि भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब ज़्यादा धूप लगेगी तो गर्मी हो जाएगी, तो कैसे रहेगा, ईजी रहेगा। सुबह 9 बजे की मैं था कि गाड़ी लाने के धोए हैं ये, ठीक और वो आ गई है गाड़ी, अब इसमें ढाल के ले जाने हैं भुट्टी मोड़, क्योंकि 10 बजे गाड़ी दिल्ली वाली चले जाती है। ये अब गाड़ी में लोड करके जाएंगे डब्बे भुट्टी मोड़। ये है मैं जो डब्बे लाई थी उसने दे दी थी, गाड़ी आती लाने गए थे इसमें, जो मैंने धोए वाले करके। ये हमने पिकिंग की है आज, अभी पौधे भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, पर चलो जितने हैं वो काफ़ी है हमारे लिए। ये हम डब्बे डाल देंगे मिट्टी में, क्योंकि टाइम हो चुका है ड्यूटी जाने का, तो मैं अब यहीं से निकल रही हूँ, घर नहीं जाऊँगी, खेत से सीधा दफ्तर, ऐसे करना पड़ता है। तो क्या करूँ, वहीं जाके ही हाथ मुँह धोऊँगी अब, और ड्यूटी के बाद फिर घर आके हमने लंच किया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद वैसे कपड़े भी धोने थे तो मैं फिर बाहर ही ले आई इनको धोने के लिए, और यहाँ पे ठंडे ठंडे में धोऊंगी कपड़े। और वैसे भी आजकल ज़्यादा खेतों में ऐसे काम तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है नीचे, खेत जाने का मन भी नहीं करता, सिर्फ ये है कि थोड़े चलो ये प्लम प्लम तोड़ने हैं, पानी डालना है कहीं, बस यही काम रहते हैं। तो मैं तो जी चले गए हैं प्लम में पानी डालने, और मैं धो रही हूँ कपड़े, और उसके बाद मुझे डिनर बनाना है, और डिनर बनाने का भी मन नहीं करता आजकल, अंदर इतनी गर्मी है ना, क्या ही बताया है। पिछले 2 साल में ना गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि बारिशें हो रही थी, इस साल गर्मी पड़ी है तो सहन करना मुश्किल हो रहा है। राम राम जी सबको। शाम के 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने, और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्या ही बताऊँ, खाना बनाने में भी मतलब आलस लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और जैसे कि आज से हमारे भी प्लम का सीज़न स्टार्ट हो गया है, सीज़न तो हमारे बहुत होते हैं, अभी देखना क्या क्या सीज़न होंगे। बट प्लम का क्या हुआ, इस बार साइज़ थोड़ा कम रह गया है, अब देखते हैं। आज भेजे हमने अभी सैंपल, मतलब थोड़े थोड़े निकाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगे हैं तभी वो साइज़ नहीं बन रहा, फिर हमने थोड़ी सी थिनिंग की थी ताकि जो बाकी है वो में भी थोड़ा सा कलर आ जाए। देखते हैं कल क्या मार्केट मिलती है हमको, जैसे तो इस बार रेट चल रहे हैं ना, 9 लाख का प्लम तो 7,000 तक की पेटी गई है, 7,000 की, जिसमें कितने 28 तने होते हैं। अब हमारे देखते हैं, क्योंकि उनका माल बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत साइज भी अच्छा था, कलर अच्छा था, इसीलिए हमारा अब देखते हैं कल सुबह ही पता चलेगा क्या दिखता है, क्योंकि माल अपना जैसे हो फिर थोड़ा सा ऐसे लगता है, क्योंकि जहाँ तो हमारे भी पतले पतले हैं वहाँ तो खैर बढ़िया साइज है, पर कुछ पेड़ों में ऐसे लगे हैं ना जैसे क्या है बोले बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो उसमें थोड़ा साइज कम रह गया, देखते हैं क्या दिखता है क्या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं कल, बताते हैं फिर रेट आपको।